वेलकम अगेन बच्चों, एक प्रोजेक्ट एजुकेशन। अब अपन साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक के ग्राफ पढ़ने के बाद उनकी हाइलाइट्स देखते हैं, क्या क्या हाइलाइट्स थी और क्या क्या अपन ने सीखा। तो आप इन ग्राफ के सबसे पहले, ये वीडियो देखने से पहले प्रैक्टिस करें, ग्राफ को पूरा याद करें, टेबल को पूरा याद करें, फिर हाइलाइट्स देखें। तो बच्चों मैं मानता हूं आपने उनको याद कर लिया होगा, उसके बाद आप देख रहे होंगे। तो देखो अपन साइन थीटा के ग्राफ की तरफ फोकस करते हैं। नंबर वन हाइलाइट्स पे साइन थीटा के ग्राफ की तरफ फोकस करें। साइन थीटा का ग्राफ कैसा होता था बच्चों? इस टाइप में होता था। तो बच्चों इसकी रेंज हाईएस्ट कितनी होती थी? वन होती थी। लोवेस्ट कितनी होती थी? माइनस वन होती थी। सारा ग्राफ किससे किसके बीच में है? माइनस वन से वन के बीच में है। तो माइनस वन से ग्रेटर देन इक्वल टू साइन थीटा, लेस देन इक्वल टू वन। बच्चों माइनस वन से ग्रेटर देन इक्वल टू साइन थीटा, लेस देन इक्वल टू वन। तो वाई इज इक्वल टू साइन थीटा का ग्राफ बच्चों कभी भी माइनस वन से छोटा नहीं होगा और माइनस प्लस वन से बड़ा नहीं होगा। ये माइनस वन से वन के बीच या उन तक होगा। चीज क्लियर बच्चों? ऐसे ही अपन ने कोस थीटा का ग्राफ पढ़ा था बच्चों, आपने देखा ही होगा। ये ग्राफ था कोस थीटा का, ये ग्राफ था कोस थीटा का। तो वाई इज इक्वल टू कोस थीटा का ग्राफ ये था। मैक्सिमम वैल्यू वन थी, मिनिमम वैल्यू माइनस वन थी। तो बच्चों कोस थीटा का मान भी कहां से कहां तक होगा? माइनस वन से ग्रेटर देन इक्वल टू कोस थीटा, लेस देन इक्वल टू वन होगा। ठीक है बच्चों? तो साइन थीटा माइनस वन से वन के बीच में होगा, कोस थीटा माइनस वन से वन के बीच में होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू वन से बड़ी नहीं हो सकती, माइनस वन से छोटी। सेम वे में कोस थीटा। क्लियर बच्चों? आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों अपन देखते हैं थर्ड नंबर पे इसकी हाईलाइट कि साइन थीटा जीरो कब कब होता था। साइन थीटा जीरो कब कब होता था? देखो बच्चों अपन को याद है ये जीरो होता था, ये पाई होता था, ये टू पाई होता था, फिर थ्री पाई, फिर फोर पाई। कुछ समझ रहे हैं बच्चों? फिर फाइव पाई। आप ध्यान दें, जीरो पाई, टू पाई, थ्री पाई, फोर पाई, फाइव पाई, सिक्स पाई, सेवन पाई, एट पाई, मतलब एन पाई। एस सेम वे में माइनस में। तो बच्चों ये क्या हो गया? एन पाई। तो साइन थीटा जीरो है तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? एन पाई एन एलिमेंट ऑफ जेड। क्लियर बच्चों? वापस देखें, साइन थीटा क्या था? जीरो। देखो जब कर्व एक्स एक्सिस को कट करेगा तो एक्स एक्सिस पे वाई ऑलवेज क्या होता है? जीरो। तो जी कहां कट कर रहा है? जीरो पे कर रहा है, पाई पे कर रहा है, टू पाई पे, थ्री पाई पे, फोर पाई पे, फाइव पाई पे, सिक्स पाई पे, सेवन पाई पे। तो बच्चों इस पे साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा जीरो होगा तो थीटा क्या होगा बच्चों? एन पाई होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। तो थीटा क्या होगा? एन पाई होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो कोस थीटा जीरो, कोस थीटा जीरो कब कब था? देखें बच्चों ये क्या था बच्चों, जब जब कर्व एक्स एक्सिस को कट करेगा वहां वहां वाई क्या होगा? जीरो। तो ये कट कर रहा है पाई बाई टू पे, ये क्या था? थ्री पाई बाई टू था। ये क्या था? फाइव पाई बाई टू था। ये क्या था? सेवन पाई बाई टू था। ये क्या था? नाइन पाई बाई टू था। था कि नहीं था बच्चों? सेम वे में नेगेटिव। बच्चों ध्यान दे, पाई बाई टू के मल्टीप्लाई में वन है, यहाँ पे थ्री है, यहाँ पे फाइव है, यहाँ पे सेवन है, यहाँ पे नाइन है, फिर इलेवन है, फिर थर्टीन है, फिर फिफ्टीन है बच्चों। तो ये क्या हुआ? थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू का कौन सा मल्टीपल? टू एन प्लस वन, ओड मल्टीपल, एन एलिमेंट ऑफ जेड। होगा कि नहीं होगा? फिर देख ले आप, पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू, फाइव पाई बाई टू, सिक्स सेवन पाई बाई टू। तो वन थ्री फाइव सेवन नाइन, ओड मल्टीपल। ओड मल्टीपल ऑलवेज क्या होते हैं? टू एन प्लस वन, पाई बाई टू, एन एलिमेंट ऑफ जेड। तो ये बच्चों ओड मल्टीपल हो गया किसका? इसका, पाई बाई टू का। तो कोस थीटा क्या हुआ? जीरो। तो साइन थीटा जीरो हो गया, कोस थीटा जीरो हो गया। अगले पे चलते हैं, फिफ्थ नंबर पॉइंट पे। बच्चों सोचो टेन थीटा जीरो कब होगा? टेन थीटा जीरो देखना है तो बच्चों आपको साथ साथ में दिमाग में ये भी रखना होगा, साइन टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये चीज आपको पता है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। बच्चों टेन थीटा जीरो होने का मतलब क्या हुआ कि साइन थीटा को जीरो होना पड़ेगा, तभी तो टेन जीरो होगा। तो टेन थीटा जीरो अगर मैं पूछूं तो आप कहीं पे भी कुछ भी ना सोचे, इन दो कर्व के अलावा बस सीधा सोचे कि टेन थीटा जीरो का मतलब साइन थीटा भी जीरो होगा। और साइन थीटा जीरो कब होगा? जब थीटा बराबर क्या होगा? एन पाई होगा। तो सीधा इसका सॉल्यूशन क्या हो गया? एन पाई एन एलिमेंट ऑफ जेड। तो बच्चों दिमाग में रखें, क्या रखें कि साइन थीटा अगर जीरो होता है तो थीटा क्या है? एन पाई। कोस थीटा जीरो तो थीटा क्या है? टू एन प्लस वन पाई बाई टू। बस ये दो से अपन बाकी सब लिख देंगे। टेन थीटा जीरो हुआ मतलब साइन थीटा भी जीरो है, तो थीटा क्या है? एन पाई। आगे बढ़े बच्चों। तो इस टाइप में अपन ने साइन कोस टेन को जीरो होते हुए देख लिया। अब अपन कोई पूछे कि कोट थीटा जीरो कब होगा भैया? पॉइंट नंबर सिक्स पे चलते हैं।
कि कोट थीटा जीरो कब हो जाएगा, कोट थीटा जीरो कब होगा, तो थीटा बराबर क्या होगा? तो बच्चों कोट थीटा को जीरो करें तो आपको ध्यान रखना है कि कोस थीटा अपॉन साइन थीटा भी उसके बारे में भी सोच लें। कोट थीटा जीरो होने का मतलब कोस थीटा ऊपर होता है तो कोस थीटा को जीरो होना पड़ेगा, और कोस थीटा जीरो कब होता है बच्चों, जब थीटा क्या होता है 2n+1 पाई बाई 2n एलिमेंट ऑफ जेड। तो सेम चीज यहां हो जाएगी, यहां थीटा क्या हो जाएगा 2n+1 पाई बाई 2n एलिमेंट ऑफ जेड। चीजें क्लियर बच्चों, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तो अब अपन को पूछ ले नंबर 7 पे कि भैया टेन थीटा इज इक्वल टू नॉट डिफाइन, टेन थीटा इज इक्वल टू नॉट डिफाइन, टेन थीटा नॉट डिफाइन कब होगा? तो बच्चों टेन थीटा नॉट डिफाइन का पता करने के लिए भी वही तरीका है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा रखें। अब सोचे टेन थीटा नॉट डिफाइन कब होगा, जब कोस थीटा क्या होगा जीरो, तो कोस थीटा जीरो कब होता है, तो कोस थीटा जीरो कब होता है, जब थीटा बराबर क्या होता है 2n+1 पाई बाई 2n एलिमेंट ऑफ जेड। तो बच्चों ये भी आपने पता कर लिया कि टेन थीटा को अगर नॉट डिफाइन करना तो कोस थीटा को जीरो करना होगा, कोस थीटा जीरो कब होता है 2n+1 पाई बाई 2n एलिमेंट ऑफ जेड। तो कुल मिला के आपको अगर ये दो याद कर लिए, आपने समझ लिए, तो बाकी सब आप लिख सकते हैं। ऐसे कैसे बच्चों आपने लिखना है कि कोट थीटा नॉट डिफाइन कब होता है, कोट थीटा नॉट डिफाइन कब होता है, तो कोट थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। तो कोट थीटा को आपने नॉट डिफाइन करना है, इसका मतलब सीधा सीधा क्या हो गया बच्चों कि कोस अपॉन साइन, मतलब साइन को आपको क्या करना है जीरो करना है, और साइन जीरो कब होगा बच्चों, साइन जीरो होगा एन पाई पे, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ एन पाई एन एलिमेंट ऑफ जेड। तो ये बच्चों अपना कंसेप्ट क्लियर हुआ, ये हाईलाइट्स में अपन ने 8 पॉइंट पढ़े। अब कुछ हाईलाइट्स और बाकी है, तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन करें, फिर अगली हाईलाइट पे ध्यान देंगे। कहने का मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हुए, ये दो अगर आपको आते हैं और आपने समझ लिया अच्छे से यहां से, तो फिर आप बाकी सबको लिख सकते हैं, आपको रटने की जरूरत नहीं है। ये भी आपने कर्व को देख के समझ लिया कि साइन थीटा क्या होता है -1 से 1 के बीच में, कोस थीटा क्या होता है -1 से 1 के बीच में। तो ये नोट डाउन करें बच्चों। अब हाइलाइट्स में ही आगे बढ़ते हुए बच्चों अपन चलते हैं, कुछ वैल्यूज अपन देखते हैं क्या क्या होती है। देखो बच्चों अपने को ये पता है जीरो होता है, ये पाई बाई टू होता है, ये पाई होता है, ये 3π/2 होता है, ये क्या होता है 2π होता है। ठीक है बच्चों, ये जीरो, ये पाई बाई टू, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। मुझे बच्चों एक चीज बताइए, जैसे अपन सोचना स्टार्ट करते हैं कि अपन ने देखा कि ये ASTC होता है, ASTC। एस ए का मतलब ऑल, इसका मतलब साइन और कोसेक, इसका मतलब टेन और कोट, इसका मतलब कोस और सेक। तो बच्चों देखो कोस और सेक इसमें पॉजिटिव है और इसमें पॉजिटिव है, तो कितनी जगह पॉजिटिव है, दो जगह। नेगेटिव कितनी जगह है, दो जगह। चलो साइन का सोचते हैं, साइन को देखा और कोसेक को देखा, तो साइन और कोसेक इसमें पॉजिटिव है और इसमें पॉजिटिव है, दो में नेगेटिव है। तो इसका मतलब साइन कोसेक दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, दो में नेगेटिव है। ठीक है बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों देखे टेन और कोट का देखते हैं, टेन और कोट यहां पॉजिटिव है, यहां पॉजिटिव है, इन दो में नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में से जब भी किसी की भी बात करें तो प्रत्येक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 2 क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव है, 2 क्वाड्रेंट्स में नेगेटिव है। समझ रहे हो आप बात, 2 क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव है, 2 क्वाड्रेंट्स में नेगेटिव है हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सपोज मैंने बोला साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, और आपको 0 से 2π में इसकी वैल्यूज देनी है, तो आप खुद सोचें ये 1/2 पॉजिटिव है, मतलब दो क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होगा। कितने क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, दो क्वाड्रेंट में। तो आप सिंपल सी चीज आपको याद रखना है कि 1/2 की वैल्यू क्या होती है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पे 1/2 होता है, या आप इसको लिख सकते हो π/6, या तो 30 लिख ले या क्या लिख ले π/6। तो ठीक है, अब दूसरा क्वाड्रेंट आप कहोगे अब सर दूसरा क्वाड्रेंट कैसे निकालेंगे, चलो मुझे बताओ सेकंड क्वाड्रेंट कौन सा होता, फर्स्ट क्वाड्रेंट अपन ने निकाला, ये पॉजिटिव कहाँ कहाँ था, एक फर्स्ट में था और एक सेकंड में था, तो फर्स्ट तो अपन ने लिख दिया, तो फर्स्ट सबका लिख दे, जो छोटा क्वाड्रेंट है पहले लिख दे, ये 30 हो गया, ये पाई बाई 6 हो गया। चलो ये 30 हो गया, यहाँ आ गया, अब पाई बाई 6 की बात आई। तो बच्चों जब भी पाई बाई सेकंड क्वाड्रेंट में आपको वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे, देखो ये टेढ़े आदमी है, इनको तो कभी छेड़ना मत, और यहाँ कौन बचा पाई और 2π, और पाई और 2π का यूज करना है आपको, पाई में से ही सबसेक्ट करना है, पाई में ऐड करना है, 2π में सबसेक्ट करना है, 2π में ऐड करना है। आपको सेकंड क्वाड्रेंट में आना है, इसका मतलब आपको क्या करना है, पाई में से वैल्यू माइनस करनी है। थर्ड में आना होता तो पाई में प्लस करते, फर्स्ट में आने के लिए
फर्स्ट में कुछ करना ही नहीं है, और फोर्थ में आने के लिए 2 पाई में से माइनस करना है, जीरो में से नहीं करना है। तो अपन यूज कौन से लेंगे, पाई और 2 पाई, समझना बात, कंसेप्ट समझना। पाई और 2 पाई यूज करेंगे, पाई माइनस करेंगे तो सेकंड, पाई प्लस करेंगे तो थर्ड, 2 पाई माइनस करेंगे तो फोर्थ, और फर्स्ट ऑटोमेटिक आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो मेरी 30 वैल्यू आ गई। सेकंड मेरी पॉजिटिव वैल्यू इसकी कौन से में होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पाई में से माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करेंगे, जो वैल्यू दे रखी है वो माइनस करेंगे, तो मेरी सेकंड वैल्यू क्या होगी, पाई माइनस पाई बाई सिक्स, तो क्या आएगा, सिक्स इधर आएगा तो 5 पाई बाई 6, और इसको बोल सकते हैं 150, क्योंकि 180 है ये, 180 में से 30 माइनस करते तो 150। मैं दोनों में कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं एक एक वैल्यू ले लेता हूँ, आपको याद हो गई होगी, कंफ्यूज तो क्या होंगे आप। तो मैं सीधा रेडियन पे ही चलता हूँ, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई सिक्स, या चलो डिग्री पे चलते हैं, डिग्री में ले लेते हैं 30, और क्या हो गया 150। मैं इनको भी एक बार डिग्री में ले लेता हूँ, क्योंकि हो सकता है आपको अगर कुछ इसमें प्रॉब्लम आए रेडियन में, तो आप इसको याद करें जल्दी से, ये 360, चलो ऐसे ही कर लेते हैं। तो साइन थीटा 1/2 लिया, थीटा 30 और 150। चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, सपोज टेन थीटा आपने लिया 1/√3, समझना बात को, टेन थीटा 1/√3 लिया, ये दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, वो कौन कौन से है, फर्स्ट और थर्ड है, कौन कौन से फर्स्ट और थर्ड। सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखे तो थीटा बराबर क्या होगा, थीटा बराबर होगा 30 डिग्री, 30 डिग्री लिया तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई। बच्चों आई कि नहीं आई, वैल्यू आ गई फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब आपको कौन से में चलना है, थर्ड में। थर्ड में आने के लिए 180 में आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस, क्या प्लस करना पड़ेगा, 30। तो दूसरी वैल्यू क्या आ गई, 180 प्लस 30 यानी कितनी आ गई, 210। तो ये वैल्यू आ गई सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये दो वैल्यू पे ये क्या होगा, 1/√3 होगा। बच्चों फिर भी दिक्कत रह गई हो तो अगले पे चले, मैं और एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज कोस थीटा आ गया, क्या आ गया, 1/2 आ गया, कोस थीटा क्या आ गया, 1/2। कोस थीटा 1/2, तो थीटा अपना अपने को पता है कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, कोस फर्स्ट में होता है और फोर्थ में होता है, किस में होता है, फर्स्ट में और फोर्थ में। फर्स्ट में कहाँ होता है, सबसे पहले वो लिखे 60 डिग्री पे 1/2 देता है, फर्स्ट में 60 डिग्री पे क्या देता है, 1/2। अब आपको फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू निकालनी। बच्चों फोर्थ में आने के लिए मैंने क्या बताया, 180 और 360 डिग्री, 360 डिग्री और 180 डिग्री, इन दो को ही यूज करेंगे। तो 360 में से बच्चों अगर 60 को माइनस करेंगे तभी तो फोर्थ में आएंगे अपन, 360 माइनस थीटा करना है फोर्थ में आने के लिए, क्या माइनस करना है, 60। तो कितना आ जाएगा, 360 माइनस 60, 300 डिग्री। तो इन दो वैल्यूज पे ये क्या देगा, 1/2 देगा। क्लियर है बच्चों। चलो और एग्जांपल लेते हैं कुछ, जैसे मैंने ले लिया टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ √3, √3 का माइनस है टेन थीटा। अब कहां कहां इसकी क्या क्या वैल्यू आएगी, तो देखो बच्चों इसकी वैल्यू क्या क्या आएगी, -√3 कब होगा, -√3 तब होगा, ये बच्चों क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू, अब देखो -√3 है तो सबसे पहले देखो क्वाड्रेंट, देखो सबसे पहले कौन कौन से माइनस होगा, सेकंड और फोर्थ में माइनस होगा, और इन दोनों में पॉजिटिव होगा, माइनस है तो मेरे को क्वाड्रेंट कौन से मिलेंगे, सेकंड और फोर्थ। आपको माइनस भूल जाना है, √3 कब होता है ये पता करना है, √3 कब होता है, यहाँ साइड में लिख ले 60 डिग्री पे इसकी वैल्यू क्या होती है, √3। ठीक है बच्चों, प्लस माइनस पे ध्यान ना दे, पॉजिटिव वैल्यू कब होती है, 60 डिग्री पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट की निकाले हमेशा, पॉजिटिव वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी हमेशा, तो पॉजिटिव निकाल ले 60 डिग्री, आएगी फर्स्ट के अलावा भी आ सकती है लेकिन अपन फर्स्ट ही लेंगे, फर्स्ट में 60 डिग्री आ गई। ठीक है बच्चों, अब आपको कौन से क्वाड्रेंट में जाना नेगेटिव करने के लिए, सेकंड और फोर्थ में। तो सेकंड में कैसे आते हो बच्चों, 180 में से माइनस करने पर सेकंड मिलता है, तो 180 में से 60 माइनस किया तो आपको क्या मिला, 120 डिग्री मिला, तो ये सेकंड में आ गए। अब आपको कौन से में आना है, फोर्थ में, तो 360 में से माइनस करोगे क्या, 60 माइनस करोगे तो क्या आ गया, 300 डिग्री, तो आप किस में आ गए, फोर्थ में, तो आप आ गए सेकंड और फोर्थ में, तो ये 120 और ये क्या हो गया, 300 हो गया बच्चों। तो ये 120 और 300 हो गया, इस टाइप से आपने दो क्वाड्रेंट इसके निकाली। एक लास्ट एग्जांपल वो ले लेता हूं मैं, सपोज मैंने लिया कोस थीटा इज इक्वल टू -√3/2। तो बच्चों आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको हटाना है, माइनस को भूल जाओ, √3/2 कब होता है, 30 डिग्री पे होता है। कोस थीटा √3/2 कब होता है, पॉजिटिव का सोचो, 30 डिग्री पे होता है। ठीक है, अब ये नेगेटिव है तो पता करो नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है। बच्चों नेगेटिव कौन कौन से में होता है, एक तो इसमें होता है और एक इसमें, सेकंड और थर्ड में ये क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो बच्चों सेकंड में जाने के लिए आप 180 माइनस करोगे, थर्ड में आने के लिए 180 प्लस करोगे, तो 180 माइनस करा तो 180 माइनस 30 क्या हो गया, 150 हो गया, और 180 प्लस 30 क्या हो गया, 210 डिग्री हो गया बच्चों। तो ये अपना कंप्लीट हुआ खेल।
तो इस प्रकार आपको जब जब वैल्यू निकालनी है तो आपको इस टाइप से वैल्यू निकालनी है। इसको बार बार वीडियो को देखें और फिर आप कोई भी सवाल कर सकते हैं, 0 से 2 पाई में वैल्यू निकालने के तरीके होंगे। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं अपन, ये नोट डाउन करें। अब बच्चों इतना सीखने के बाद अपन आगे बढ़ते हैं कुछ चीजों पे। और साइन थीटा इज इक्वल टू जब 1 होता है तो बच्चों साइन थीटा 1 होता है तो 0, ये 90, ये 180, ये 270, ये 360 है ना। साइन थीटा 1 होता है तो साइन थीटा 1 होता है तो आप देखो बच्चों साइन थीटा को 1 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आप कहोगे सर आपने कहा था कि पॉजिटिव 2 जगह होता है, मैंने कहा हाँ 2 जगह होता है पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता था, लेकिन क्या हुआ फर्स्ट वाला भी 90 पे चला गया। अपन को पता है साइन थीटा 1 कब होता है 90 पे, और सेकंड वाला भी 90 पे चला गया। तो 90 पे जाने से दोनों वैल्यू एक जगह चली गई, तो अब एक ही जगह साइन थीटा 1 होगा और वो जगह क्या बची, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। वापस समझे, साइन थीटा 1 आप कहोगे सर 2 क्वाड्रेंट में होता है, मैं कहूंगा कौन कौन से, आप कहोगे फर्स्ट और सेकंड, मैंने बोला चलो वैल्यू बताओ कहां 1 होता है, तो आप कहोगे 90, 90 मतलब बाउंड्री लाइन आ गई, इसका भी यहाँ पे आ गया, इसका भी यहाँ पे आ गया, दोनों वैल्यू प्लेस कर गई, तो केवल एक ही जगह साइन थीटा 1 होता है। सेम वे में साइन थीटा -1 कब होता है, साइन थीटा -1 कब होता है सोचो, साइन थीटा -1 अपन को पता है 270 पे होता है, किस पे होता है 270 पे। -1 बोलते ही आप कहोगे सर 2 वैल्यू आनी चाहिए, मैं कहूंगा चलो ठीक आएगी। साइन थीटा नेगेटिव कहां कहां होता है, थर्ड में और फोर्थ में, ये थर्ड और फोर्थ में साइन थीटा क्या होता है नेगेटिव, दोनों वैल्यू ये आई और यहाँ आके यहाँ पे आ गई, तो 270 पे आने से दोनों वैल्यू मिल गई और अब केवल एक वैल्यू बची क्या, थीटा इज इक्वल टू 270 पे साइन थीटा क्या होगा -1 होगा, बाकी नहीं होगा। मैं कहूँ जनरल वैल्यू बताओ इसकी, कि वो सारी वैल्यूज बताओ जिन पे साइन थीटा क्या होता है 1, तो आप क्या करोगे सीधा थीटा 2n पाई प्लस 90 को आप पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं, तो 2n पाई प्लस पाई बाई 2n एलिमेंट ऑफ जेड। आप कहोगे सर आपने ये क्या किया, मैं कहूंगा मैंने कुछ नहीं किया, 2n पाई किया, 2n पाई मतलब 2 पाई से घूमते जाओ, तो जैसे मैंने यहां से घूमना स्टार्ट किया यू 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 घूमता गया, तो सोचो ये वैल्यू क्या है पाई बाई 2, ये क्या है 2 पाई प्लस पाई बाई 2, ये क्या है 4 पाई प्लस पाई बाई 2, ये क्या है 2 पाई प्लस पाई बाई 2, और ये क्या थी पाई बाई 2। समझ रहे हो आप बात, सारे पॉइंट्स एक ही, तो घूमते जाओ तो यही तो किया मैंने, 2n पाई करने का मतलब 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 9 पाई घूमते जाओ क्या फर्क पड़ता है, अपन पहुंचेंगे क्या अल्टीमेटली वहीं पे तो रहेंगे। तो ये जनरल वैल्यूज हो गई, जनरल वैल्यूज का मतलब क्या हो गया, सारी वैल्यूज जो इनफाइनाइट वैल्यूज जिन पे साइन थीटा 1 होगा वो क्या होगी पाई बाय 2। तो जैसे जैसे घूमेंगे एंगल तो बढ़ेगा लेकिन वैल्यू क्या मिलेगी 1, चीज क्लियर। ऐसे ही साइन थीटा -1 कब होगा, जब थीटा 270, यानी 270 को क्या बोलते हो 3 पाई बाई 2 बोलते हो, इसकी जनरल वैल्यू लिखोगे सेम वे में 2n पाई एड कर दे प्लस 3 पाई बाई 2 कर दे एन एलिमेंट ऑफ जेड कर दे, ये अपने पास जनरल वैल्यूज आ गई, चीज क्लियर बच्चों। ऐसे कैसे दो चीजें और देख लेते हैं, कोस थीटा 0 कब होता है और कोस थीटा -1, चलो 0 नहीं 1 ले लो, कोस थीटा 1 कब होता है और कोस थीटा -1 कब होता है। तो देखो बच्चों कोस थीटा 1 कब होता है, कोस थीटा 1 कब मिलेगा, कोस थीटा 1 मिलेगा अपन को देखो 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, कौन कौन से में, फर्स्ट में और फोर्थ में, फर्स्ट में और फोर्थ में, लेकिन जैसे जैसे 1 करने के लिए दोनों आके 0 पे लाइन पे आ जाते हैं, बाउंड्री लाइन दोनों भी सेम बन जाती है, इसलिए केवल और केवल एक वैल्यू पे कोस थीटा 1 होता है, वो क्या होती है 0 डिग्री। बच्चों समझो बात को, कोस थीटा 1 पॉजिटिव, कोस पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट में होता है और फोर्थ में होता है, लेकिन दोनों आके बाउंड्री लाइन 0 पे आ गए तो केवल एक ही वैल्यू बन गई दोनों वैल्यू मिलके और वो क्या हुई 0। मैं इसकी जनरल वैल्यू लिखने को बोलूं तो बच्चों सेम वे में 2n पाई में क्या ऐड कर दो 0 एन एलिमेंट ऑफ जेड, ये इसकी जनरल वैल्यू हो गई। ठीक है बच्चों क्लियर है आपके। सेम वे में आगे चले -1, तो बच्चों सोचो -1 कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड में होता है और थर्ड में होता है, तो सेकंड और थर्ड में -1 होता है, तो ये आते 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 इसी पे आ जाएंगे, इसी पे आ जाएंगे, तो वैल्यू क्या हो जाएगी क्लेश कर जाएगी, मिल जाएगी दोनों, है ना, कोइंसिडेंट हो जाएंगी, ऐसे होगी, तो केवल और केवल मेरे पास क्या बचा 180 डिग्री, तो थीटा क्या होगा 180 डिग्री, तब क्या होगा -1। तो इसके लिए इन चार्ज के लिए वैल्यू केवल एक एक होगी, ये एक जगह पॉजिटिव होगा पूरे 0 से 2 पाई में, ये एक जगह नेगेटिव होगा, ये एक जगह पॉजिटिव होगा, ये एक जगह नेगेटिव होगा। अब बच्चों इसकी जनरल वैल्यूज की बात करें तो थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हो 2n पाई प्लस क्या लिख सकते हो पाई, इसको पाई भी तो बोलते हैं बच्चों, एन एलिमेंट ऑफ जेड। तो ये चीजें क्लियर हुई बच्चों आपके, तो ये आपने हाईलाइट्स देखे, इसके बाद अपन कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, अगर हाईलाइट्स आपको अच्छे से पता होंगे, याद होंगे, ग्राफ याद होंगे, तो क्वेश्चन आंसर भी आपके अच्छे से होंगे। ठीक है बच्चों, तो
तो इन पे फोकस करें, उनको याद करें। थैंक यू वेरी मच।